हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेस। तो इस वीडियो के थ्रू हम दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें से एक स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहाँ पे 450 से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आई हुई हैं टीचर्स के लिए, असिस्टेंट टीचर्स के लिए और अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए। और जो क्वालिफिकेशंस है उसमें ग्रेजुएशन मोस्टली में मांगा गया है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड या बीएलएड जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, और साथ में आपने किसी भी स्टेट से किसी भी राज्य से या तो टेट करा हो या सीटेट आपने करा हो, उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चलेगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल की वो वैकेंसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और दूसरी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे ही, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है जिससे जो वैकेंसीज हम डेली बेसिस पे शेयर करते हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि वो वैकेंसीज कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में 278 278 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए। जो क्वालिफिकेशंस उसमें मांगी है उसमें आपका सीनियर सेकेंडरी मतलब आपका 12th कम से कम पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स, और 2 साल का आपका डिप्लोमा जो DL-ED है वो मिनिमम होना चाहिए, वो एक ऑप्शन है। उसके अलावा कई सारे अलग अलग ऑप्शन है क्वालिफिकेशंस के, इसमें आपका 12th के साथ या फिर NCTE रिकग्नाइज्ड जो जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर 12th के फिफ्थ साथ जिसमें आपके 50% मार्क्स हो और साथ में 4 साल का BL-ED होना चाहिए, या फिर आपका ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन और BED। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज लिमिट इसमें दिया हुआ है जो कि 30 ईयर्स है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपने किसी भी स्टेट का जो टेट का एग्जाम होता है वो आपने क्लियर करा हो, या फिर जो सेंट्रल टेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट है सीटेट वो आपने क्लियर करा हो। अपर प्राइमरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पे 207 वैकेंसीज हैं 207 क्वालिफिकेशंस। उसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में या तो 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में DL-ED, या फिर ग्रेजुएशन के साथ में आपका बीएड होना चाहिए, या फिर आपका जो है 1 साल का बीएड होना चाहिए जो NCTE नॉर्म्स के अंतर्गत आता हो, या फिर इवन आपने 12th के सब बाद अगर BL-ED आपने करा हुआ है तभी भी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। तो एज लिमिट लेकिन ज़रूर है इसमें, 30 साल से ज़्यादा ये आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और ये वैकेंसी आई हुई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा, जो आई थिंक SSA ये होता है, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ता है वापी के पास। बहुत ही खूबसूरत यूनियन टेरिटरी है ये समुद्र के किनारे। अगर आप इसमें चाहें तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। 10 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन है। सैलरी मिलेगी 22,000 रुपीज़ अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए, और 23,000 रुपये मिलेंगे अगर आप अपर प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई करते हैं। तो और नीचे की तरफ जो डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं उसमें ये पदों की और डिटेल दी हुई है। जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के पद हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम में हैं, 278 वैकेंसीज। फिर लेकिन जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसमें अलग अलग मीडियम्स के स्कूल हैं जिसमें गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, उनकी वैकेंसीज भी यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। क्योंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है इसलिए गुजराती और मराठी भी ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी भी उसमें ऑप्शन है। अप्लाई करने के लिए 2 नवम्बर लास्ट डेट है और आपने ईमेल करना है सिर्फ। ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है DOE-DNH@NIC.IN, 2 नवंबर तक आपने ये अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट नीचे की तरफ दिया हुआ है और उसके साथ आपने जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अटैच करने हैं, और फिर आपने मेल कर देना है इस ईमेल आईडी पर जो दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन जो है वो
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो दादरा एंड नगर दमन एंड दीव हवेली के जो यू एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं उनके हिसाब से जो भी एप्लीकेबल है वो उनको दिया जाएगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है 12 नवंबर से शुरू होगी। ईमेल आईडी आप नोट कर लें, daman.nic.in, इसी ईमेल आईडी पर से हमने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। नीचे की तरफ ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपने इसे फिल करना है और साथ में बाकी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। एप्लीकेशन फीस इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो ऑप्शन है हायर एजुकेशन में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और उसके लिए 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो ये वाला जो है ये मैथ्स का है जिसमें उनको गेस्ट फैकल्टी चाहिए, और इसमें नंबर ऑफ जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं करी गई है, सॉरी करी गई है। इसमें 2 रिजर्व्ड हैं एससी के लिए और 1 सीट रिजर्व्ड है ओबीसी के लिए। टोटल 3 गेस्ट फैकल्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो hod.math@vishwabharati.ac.in, ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल कोलकाता में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। शांति निकेतन शायद आपने सुना होगा, ये वहीं पे है, उन्हीं का ये एड्रेस है। और इसमें मेंशन है कि आपने 15 दिन के अंदर ये अप्लाई करना है। 10 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसका मतलब आप 25 तारीख तक उसके पहले अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, और जो भी यूजीसी के नॉर्म्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ऑनरेरियम जो मिलेगा आपको वो 1500 रुपये पर लेक्चर दिया जाएगा, 1500 रुपीज़ पर लेक्चर, मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ पर मंथ। 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और उसके बाद वो इसके बारे में इसमें मेंशन नहीं है कहीं पे भी। एंड जो अपर एज लिमिट है वो 70 ईयर्स है। अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ये एक है मैथ्स डिपार्टमेंट में, और भी नोटिफिकेशंस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है वो जो यूनिवर्सिटी का एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने निकाला है। 4 सीटें हैं ओवरऑल गेस्ट फैकल्टीज की, जिसमें 2 अनरिजर्व्ड हैं, 1 ओबीसी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। नीचे आप जाएंगे तो ये भी मेंशन है कि ये कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन वो देख रहे हैं। लास्ट डेट इसके लिए भी सेम मेंशन है कि आपने 15 दिन के अंदर अप्लाई करना है। ये 5th अक्टूबर का नोटिफिकेशन है, इसका मतलब आपने 20 अक्टूबर तक, 20th अक्टूबर तक आपने अप्लाई करना है। और सेम बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं है, बट अगर आपने पीएचडी करा हुआ है तो ऑब्वियसली उसको प्राथमिकता मिलेगी। रेलिवेंट सब्जेक्ट में पीएचडी, नेट आपका क्लियर है, और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस भी है तो ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। आप अप्लाई कर सकते हैं अपने विवेक के आधार पर, और यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसके आधार पर ये क्वालिफिकेशंस है। एप्लीकेशन आपने इसी ईमेल, इनका जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर भेजना है। इसके लिए अलग ईमेल आईडी है, तीसरी वैकेंसी के लिए अलग ईमेल आईडी है, तो वो आप देख लें जिसके लिए आप क्वालिफाइड हैं उसी हिसाब से आप अप्लाई करें। और ये आपने प्लेन पेपर पे जो है आपके टेस्टिमोनियल्स की सारी कॉपी और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों पे आपने भेजना है 20 अक्टूबर से पहले। तो ये दूसरा था। तीसरा एक और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा जो है वो एनवायरनमेंटल स्टडीज डिपार्टमेंट में है, 2 सीटें हैं, दोनों ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आपने 14 अक्टूबर से पहले, यानी कल शाम 5 बजे से पहले आपने ये भेजना है, और उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। सेम इसमें थोड़ा और डिटेल्स दी हुई हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशंस उन्होंने मांगी है। डिजायरेबल में आपका जो नॉलेज है वो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, जो उन्होंने डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप इनकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है इनकी visvabharati.ac.in, इसके ऊपर आप जाइए और यहाँ पे करियर में आप ये नोटिफिकेशंस देख सकते हैं।
काफी नोटिफिकेशंस आए हुए थे, लेकिन कुछ उसमें से डेट निकल चुकी हैं, कुछ जो अवेलेबल है वो हमने आपको दिखाया। होप ये यूजफुल था आपके लिए। विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज इन द इवनिंग। थैंक यू।